हेलो एवरीवन, फाइनली 15-20 मिनट पूरा इसमें फटफट हुई है, पूरी फटी है। ये देखो गैस के ऊपर भी पड़ी है, गैस के ऊपर बिखरी पड़ी है मिट्टी। ये तो काली होगी, ये भी काली होगी, ये इधर टूट के बिखर गई इसमें से निकल के। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी बनी। अभी गर्म है लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। आई विश रेड कलर की जो होती है ना, रोस्टेड मटन मिर्ची बड़ी टेस्टी लगती है, वैसी वाली मैं चाहती हूँ। कितनी छोटी छोटी पतली पतली लेयर थी, हो गई रेड। ये देखो एक एक लेयर अलग हो जाती है रोस्ट होने के बाद इसकी, और बिल्कुल भी नहीं चिपकती और रेड हो गई है प्रॉपर। कितने अच्छे से लेयर्स निकली हैं। मैं हाथ से टच करने का मन कर रहा है लेकिन गर्म है, जल जाऊंगी। मेहनत सक्सेसफुल हुई, बहुत मेहनत लगी थी पता है, छोटी छोटी लेयर्स निकाली थी तब रोस्ट करने रखी थी, रेड हो गई ये नहीं हुई, लेकिन लेयर निकल गई इसकी। इसकी और लेयर होंगी, पहले इसको ना पूरा किचन के कमरे से अलग ही करना, पूरी गैस पे वैसे भी सफाई लगेगी अब तो, फट फट के ना पूरी गैस पे इधर उधर इधर उधर। गरम गरम है, एक सेकेंड, एक एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, गरम गरम मुल्तानी मिट्टी की खुशबू सूंघनी है। वाली लेते हैं, वैसे भी ये प्रॉपर रोस्ट हुई नहीं है। एक और ऐसे जो हाफ रोस्ट हुई हो, ये मेरा किचन है, ये मत समझना फर्ज है, किचन की स्लिप है ये, धुआं उठ रहा है इनमें से, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चूल्हे की मिट्टी में से जैसे खुशबू आती है ना, वैसे ही खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा। सो डन, मिलते हैं जल्दी वेट, मैं वेट करके ही खाऊंगी, वेट रोस्टेड क्रंच वीडियो में। ठंडा हो जाने देती हूँ नहीं तो मुंह जल जाएगा मेरा। बहुत ही अच्छी है, इतनी अर्दी स्मेल आ रही है, देखिए सूख भी चुकी, बहुत अर्दी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है। सो बाय बाय एवरीवन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थैंक यू सो मच।